आज हम बात करेंगे जीएनएफसी के स्टॉक के बारे में। जीएनएफसी के स्टॉक में आने वाले ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है ये पिछले एक लंबे समय से ही हमको यहाँ पर लगातार डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा। हमको स्टॉक में लगातार लोअर हाई वाला प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जो स्टॉक है वो लगातार अपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा है। मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने ऐसा एक रेजिस्टेंस लिया, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अभी पिछले कुछ समय से हम देखेंगे जो स्टॉक है वो लगातार इस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो अगर स्टॉक अपनी इस रेंज में ब्रेक करेगा तो इसके अंदर यहाँ पर स्टॉक में एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर जो स्टॉक है ये यहाँ पर 612 का जो लेवल है इसको यहाँ ब्रेक करेगा तो फिर इसके बाद हमको फिर स्टॉक में 664, और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करेगा तो इसके बाद हमको स्टॉक में फिर 727, इसके बाद हमको स्टॉक में 802, और अगर स्टॉक इसको भी ब्रेक कर देता है तो उसके बाद हमको स्टॉक में फिर 895 तक के लेवल्स जो है यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। ऐसा नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस भाई, यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 574 का पहला सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक करेगा तो इसके बाद हमको स्टॉक में 543, और फिर इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में फिर 518 तक के लेवल्स जो है यहाँ पर देखने मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सर नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। धन्यवाद।